से डिशवॉशर को खाली करना टू ड्रॉप किड्स इज इट देयर देयर इज किड्स यू आर गोइंग टू ड्रॉप देम Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक हो. तो आज मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग की क्लीनिंग से. सुबह का ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है और यहाँ पे किचन मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, तो इसी को मैं क्लीन अप करने के लिए पहले मेरे फ़ोन से गाने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं गाने स्टार्ट करती हूँ या फिर कोई भी म्यूज़िक सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा टाइम अच्छे से कट जाता है जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ. तो मोस्टली मैं मेरे जो डिश वॉशर में डालती हूँ जो प्लेट्स एंड कटोरिया एंड कप्स मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं. पहले तो मैं इतनी चाय पीती थी, फोर फाइव टाइम मेरी चाय होती थी पहले, अब मैंने बहुत कम की है, दो ही टाइम पीती हूँ. ये वाला जो कबर्ड है मैं यहीं पे सारे प्लेट्स एंड सारे कप्स एंड बाउल्स रखती हूँ, तो जिससे करके मुझे रखने में भी आसानी होती है और खाने के लिए भी. यहाँ पे पहले मैं पैंट्री रूम में इसे रखती थी, तो वहाँ से निकालना वहाँ से लाना, और जब डिश वॉशर बीच में ख़राब हुआ था तो सारे बर्तन मेरे किचन टॉप पे ही रहते थे, क्योंकि जब डिशेस वॉश करने के बाद वो ड्राई होने के लिए भी सिंक में ही रखनी पड़ती थी मुझे, तो किचन पूरा भरा हुआ लगता था. लेकिन अभी इसी में ड्राई हो जाती है और मैं यहीं पे रख देती हूँ निकाल के. तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरी किचन का टूर दूंगी आपको. ऐसे डिश वॉशर को खाली करना यश का काम है, उसे मैंने ब्रेक टाइम में जब भी उसका ब्रेक होता है तब दिया है, लेकिन वो हमेशा ही बिजी हो जाता है अर्नव के साथ खेलने में. तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि ठीक है मैं ही खुद कर देती हूँ, तो मैंने खाली भी कर दिया है डिशवॉशर और फिर से रीलोड भी कर दिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे बस वैक्यूम करना है घर में, कुछ ठीक करना है, तो इसमें मेरा टाइम चला जाएगा और हाफ एन आवर. और मेरे व्लॉग्स में आपको कुछ शब्द, क्योंकि हम घर में मराठी में बात करते हैं, तो शायद कुछ शब्द जो है मुझे जल्दी से सूझते नहीं है हिंदी के, सो मराठी के भी शब्द सुनाई देंगे, सो आप समझ लीजिए कि क्या बोल रही हूँ. ट्राई करें. अब मेरे किचन की क्लीनिंग हो गई है, सो वैक्यूम करना बाकी है. उसके पहले मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी, तो इसीलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट करके दे रही हूँ, ताकि वो बैठ के टीवी देखे और फ्रूट खा लेंगे. तब तक मैं हाफ एन आवर की छोटी सी एक्सरसाइज कर लूँगी. मैं एवोकाडो जो है बच्चों को हनी के साथ देती हूँ,
जिससे हनी खाना अच्छा भी है उनके लिए और ये एक स्वीट डिश की तरह लगता है, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह मुझे तो टेस्ट आती है। सो मैं हनी सर्व करके इसके ऊपर देती हूँ उन्हें हमेशा। आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरह। आप आज मैं हूँ अपनी जिम रूम में और आज स्टिल मेरे अभी भी मसल पेन हो रहे हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अर्नव की पॉटी ट्रेन हो रही है सो मैंने इसे ओपन रखा है। बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मतलब हर 2 दिन, मैं ज़्यादा पूरा दिन ट्राई नहीं करती रहती हूँ, 2-2 घंटे उसे बस ट्राई कर रही हूँ कि वहाँ पे बैठे हो पॉटी सीट में। शायद मैं और एक दूसरी वाली जो पॉटी सीट होती है वो वाली ट्राई करूँगी, जो वाइट वाली, जो हमारी बड़ी वाली होती है, वैसे भी छोटी मिलती है सो उसे ट्राई करूँगी। क्योंकि ये वाला हो नहीं रहा है वर्कआउट, शायद मुझे और टाइम लगेगा, ये भी होगा रीज़न। यश का हुआ था जब वो डेकर जाता था, मैंने उन्हें वहाँ पे वो लोग चेंज करते रहते हैं, मतलब हर 1 घंटे में लेके जाना वॉशरूम और ये सब होता है, तो वहीं पे ट्रेन हुआ था। मुझे घर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी उसे ट्रेन करने की एंड पॉटी सीट पे बिठाने की, मतलब वो अपने आप जाने लगा, ज़्यादा वहीं पे सीखा, डे केयर में ही सीखा उसने। जो मैंने प्रोटीन कल लाया था, मुझे कुछ उसका ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा नहीं है, शायद से मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है। वो जो 1 पाउच था वो सैंपल था और उससे मैंने आधा लिया है, आई थिंक वो 1 सर्विंग पाउच है। तो मैंने कल दिखाया था आपको, आई थिंक मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है। आज अपनी स्मूदी में मैं वो पूरा पाउच डाल दूंगी, देखूंगी। आज भी रिलैक्स डे है, ज़्यादा मैंने वर्कआउट नहीं किया है, बस मैं डाइट ही अपना फॉलो करूंगी जो कर रही हूँ। खिचड़ा आज पता नहीं, अभी देखते हैं, अभी तो कुछ तैयार नहीं है कि क्या बनाऊँ। तो ब्रेकफास्ट अभी हो गया है और मैं जाऊँगी, अभी पूरा घर मैस है, मुझे रात के क्लीन करना है, तो वही वहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी। वैसे मैं रात को भी अपन क्लीन अप करके ही पूरा किचन एंड फ्लोर क्लीन अप करके ही हम सोते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इस टाइम तूफान आ जाता है घर में। Is it going to drop kids? Is it there? There's kids? You're going to drop them? Bye bye. Bye bye kids. Bush hai? Do you have a bush? Ani? Is this school bush? Which color is this? Which color? Yellow. See yellow. Yellow. Yellow, yellow, dirty fellow. School bus. No, no. No, no. What happened to your nosy? What happened? Show me your smile. Your smile. Show me. Ani, smile karna. Smile karna too. To show cute dish to smile ke level. Hey, smiley baby. आज वैसे हम वॉक के लिए बाहर भी नहीं गए, मॉर्निंग में भी और अभी भी नहीं गए, क्योंकि मेरे लेग स्टिल अभी पेन कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना डाइट एंड मुझे वर्कआउट भी करना था रोज़। वैसे मैं आई तो थी आज, लेकिन नहीं हुआ मुझसे, बहुत पेन हो रहा है लेग्स मेरे। एक ही दिन में, एक एंड नहीं 2 दिन किए मैंने, जो
पहले चुटी स्वीटी माय क्यूटी पाई हे माय क्यूटी पाई हे माय क्यूटी पाई वेयर यू गोइंग हे से हाय से हाय बेबी से हाय अनी से हाय हाय गाइस हाय नो फोन नो फोन नॉट नाउ ओके आफ्टर 2 आवर ओके नाउ यू प्ले Wow, what a car. Blue color car. Oh, not a car. That is a truck. You have a truck? Is it truck, Anni? You wanna go out, baby? Nahi. तो आज कोई न्यू रेसिपी मैंने बनाई नहीं है, वही है जो विचो मैंने आपके साथ शेयर की है. और लंच में है खिचड़ा प्लस मैंने मटन बनाया था, तो मैंने उसका रसा थोड़ा दिया है. एंड ये है ओट्स पालक की रोटी, जिसे मैंने थोड़ा बहुत घी लगाया है ऊपर से, एंड बहुत सारा सैलेड. सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले.